जो कह रहे हैं इससे क्या होगा, मैं इनको कहना चाहता हूं, ब्रिटिश संसद ने बनाए हुए कानूनों को समाप्त कर मोदी जी ने भारतीय संसद की गौरव को बढ़ाया है। आज पूरा देश से कानून पारित होने के बाद हमारी संसद के बनाए हुए कानून के आधार पर एक गौरव का अनुभव वो नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूं नहीं कर सकते, जिनका दृष्टिकोण भारतीय है वो समझ सकता है कितने बड़े गौरव की बात है, मगर इटालियन चश्मा जिन्होंने पहना है वो इसको नहीं समझ सकते। वो अपेक्षा भी देश की जनता को उनसे नहीं है। माननीय ये जो एक कानून आज तक चलते थे इसमें कुछ शब्द थे जो आजाद भारत की आत्मा को आहत करने वाले थे, यूनाइटेड किंगडम की संसद, प्रांतीय अधिवेशन, क्राउन के प्रतिनिधि, लंदन गजेट, ज्यूरी, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड, हर मैजेस्टी सरकार, लंदन गैजेट की द्वारा निहित की गई प्रक्रियाएं, ब्रिटिश क्राउन का अपमान, इंग्लैंड के न्यायालय की परंपरा और हर मैजेस्टी रोमानियन और बैरिस्टर शब्द का भी उल्लेख था। मान्यवर ये सारा 75 साल तक इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में चला गया, कांग्रेसियों की नजर नहीं पड़ी। मोदी जी को इस देश की जनता ने 14 में देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया और 19 से 24 पूरी चर्चा होकर मैं आज कह सकता हूं ये तीनों कानून, उनकी आत्मा भी भारतीय है, उनका शरीर भी भारतीय है और उसकी सोच भी भारतीय है। माननीय संपूर्ण भारतीय कानूनों को लेकर मैं आज इस सदन के सामने, ये कांग्रेस पार्टी को मैं बचपन से ही मालूम नहीं क्या था, कुछ संस्कार होगा, कांग्रेस का विरोधी रहा। मेरी आइडियोलॉजी में जुड़ने से पहले भी कांग्रेस मुझे पसंद नहीं आती थी, कुछ नहीं मालूम था मान्यवर, तब से मैं विरोधी रहा। मगर मैं बारीकी से उनको देखता हूं, जब जब वो सत्ता पर आते थे 124A मतलब राजद्रोह का बड़े मौत से उपयोग करते थे, और जब सत्ता के बाहर जाते थे तो कहते थे कि 124 है तो कॉलोनियन कानून ने इसको निरस्त कर दिया, मगर फिर सत्ता पर आते थे तो 124 का उपयोग करते थे। इन्होंने राजद्रोह को कभी समाप्त करना नहीं चाहा। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार आज इस देश के कानून से राजद्रोह को हमेशा के लिए समाप्त